नमस्कार, मैं वैशाली। ये देखिए, आज मैंने बनाई है अमृतसरी मसाले वाली बड़ी। नॉर्मली हम उड़द दाल की बड़ी, चने दाल की बड़ी या मूंग दाल की बड़ियां तो बनाते ही हैं, लेकिन अमृतसरी बड़ी देखने में भी कुछ अलग होती है, साइज में बड़ी होती है, और सबसे अच्छी बात है कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें काफी सारे मसाले जाते हैं। मसालों के कारण इन बड़ियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और साइज इतना बड़ा होता है कि 4 से 5 बड़ियों में ही एक सब्जी तैयार हो जाती है 4 से 5 लोगों के लिए। आप इसकी सब्जी आलू के साथ बना सकते हो, सब्जियों के साथ भी इसे बनाया जाता, दाल के साथ भी बनाया जाता है, और इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। रोटी के साथ, चावल के साथ में खाइए, बहुत अच्छी लगती है सब। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने अमृतसरी बढ़िया बनाई है। तो ये देखिए, अमृतसरी बड़ी बनाने के लिए मैंने यह धुली हुई उड़द की दाल ली थी, जिसे मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया था पहले, उसके बाद में रात को भिगो दिया था। अब सुबह मैंने इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से साफ कर लिया, आप देख सकते हो साफ पानी दिख रहा है। तो अब मैं दाल को पीसूंगी बड़ी बनाने के लिए। तो ये देखिए, दाल को पीसने के लिए मैंने यहाँ एक मिक्सर जार ले लिया है, और अब मैं इसमें दाल डाल दूंगी। और कोशिश करें कि दाल पीसने के लिए पानी कम से कम यूज़ करें, क्योंकि जो दाल है जितनी ड्राई रहेगी बढ़िया उतनी अच्छी बनेगी, बहुत ही बढ़िया बनेगी। पानी रहेगा तो जो शेप होता है अमृतसरी बड़ियों का वो ठीक से नहीं आ पाएगा, तो कोशिश करें कम पानी डाल के दाल को पीसें। वैसे चिकट होती है तो थोड़ा बहुत पानी लग जाता है, अगर आप सिलबट्टे में पीसते हो तो कम पानी में पीस सकते हैं। तो अब मैं दाल को पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, दाल हमारी कितनी बढ़िया पीस चुकी है, ये देखिए। और 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें पानी का यूज़ किया है पीसने के लिए, क्योंकि ये दाल काफ़ी स्टिकी होती है, नीचे चिपक जाती है, तो आपको बीच बीच में चम्मच भी चलाना होगा, जो दाल चिपक गई उसे निकालते रहना होगा, तो बढ़िया दाल पीसेगी। ये देख सकते हो आप कितनी बढ़िया गाढ़ी दिख रही है दाल। तो इसी तरह से मैं बची हुई दाल भी अब पीस लेती हूँ, और इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। तो अब अमृतसरी बड़ी के मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़ा चम्मच साबुत धनिया लिया है, और इसे मैंने 2 मिनट भून लिया है। चाहे तो आप इसे धूप में भी दिखा सकते हो, वैसे अगर हम भूनते हैं, रोस्ट करते हैं 2 मिनट धीमी आंच पे, तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है मसालों में। और 2 चम्मच ही मैंने धनिया पाउडर भी लिया है, ये भी डलता है बड़ियों में, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और 1 चम्मच मैंने जीरा लिया हुआ, इसे भी भून लिया है 2 मिनट धीमी आंच पे। और 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही, वैसे नमक कुछ लोग नहीं डालते बड़ियों में, पर नमक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा नहीं है कि नमक डालने से बड़ी ख़राब होती है, ये सिड़ती है, ये नमी आती है बारिश के टाइम पर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा बड़ियों में नमक डालती हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे अवॉइड कर सकते हो, ना डालें। 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया, इसको भी मैंने भून लिया है। और 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ चिली फ्लेक्स, मतलब फ्रेश ही मिर्ची कूट करके आप डालें तो अच्छा रहेगा बड़ियों में, क्योंकि हमें साल भर के लिए रखना है। तो मैंने अभी ये फ्रेश ही मिर्ची कूटी है, और इस बड़ियों में थोड़ी सी मोटी मोटी सी कूट के डाली जाती है, छिलके ऐसे बड़े बड़े से होते हैं, आपने देखा होगा बड़ियों में, और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। वैसे काली मिर्च भी डल रही है, तो मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, जितना आप बड़ियों को स्पाइसी बनाना चाहते हो। और मैं कुछ इसमें गरम मसाले, खड़े मसाले डाल रही हूँ। तो 4 लौंग ली हुई है, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी वाली इलायची और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी की। वैसे इसमें काफ़ी लोग गरम मसाला पाउडर भी डालते हैं, या आपके पास और कोई मसाला आप डालना चाहते हो, जैसे जावित्री हुआ, या आप और कोई यूज़ करते हो तो वो ले सकते हो। और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली हुई है, और काली मिर्च पाउडर मैं नहीं डाल रही हूँ, इतनी काफ़ी है मिर्च। तो अगर आप डालना चाहते हो काली मिर्च का पाउडर भी, क्योंकि ये जो काली मिर्च ली है, इसको हम जो मसाले लिए हुए, इसे हम दरदरे ही कूटते हैं, और जो पाउडर होता है इसे ऐसे ही डाल देते हैं। तो अब मैं ये धनिया, सौंफ, काली मिर्ची, जीरा और खड़े मसालों को दरदरा सा कूट लूँगी। तो ये देखिए, मसाले मैंने पीस लिए, और आप देख सकते हो दरदरा मैंने पीसा है। तो मसाले डाल दूँगी, और फ्रेश मसाले पीसते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल दूंगी, फ्रेश कुटी हुई मिर्ची, और 2 चम्मच धनिया पाउडर। और मैं उस वक्त हींग बताना भूल गई थी, तो लगभग 1/2 चम्मच से थोड़ी कम मैंने हींग ली हुई है, तो हींग डाल दूंगी। और नमक, नमक ऐसा नहीं कि एकदम स्वाद के अनुसार डाला जाता है, थोड़ा सा टेस्ट हल्का आता है, तो बहुत बड़ी मतलब जब हम सब्जी बनाते हैं तो बढ़िया फीकी नहीं लगती, बहुत टेस्टी लगती। तो अब मैं सभी चीज़ों को बढ़िया मिक्स कर लूँगी, मसालों को बढ़िया दाल में मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, उसके बाद हम बढ़िया बनाएंगे। ये देखिए, और वैसे बोला जाता है कि जब बड़ी बनाते हैं दाल को अच्छी तरह से फेंट लेना चाहिए। वैसे हम मिक्सर जार में जब पीसते हैं दाल को, तो वहाँ उसमें अच्छी तरह से दाल फिट जाती है, तो ऐसा नहीं कि हमें अभी हाथ से और मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फेंटना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, अच्छी तरह से दाल फिट जाती है मिक्सर जार में। तो
तो ये देखिए मसाले बढ़िया मिक्स हो गए हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ बड़ी बनाना। तो शुरू करते हैं अमृतसरी बड़ी बनाना। तो यहाँ पर मैंने एक मोटी वाली शीट ली हुई है बड़ियों को सुखाने के लिए, और नीचे एक बड़ी ट्रे रखी हुई है। और बड़ी बनाने के लिए यहाँ पे हाथ में थोड़ा सा पानी लगेगा, तो यहाँ पानी लिया हुआ है। तो बड़ी का मिश्रण बढ़िया मिक्स हो चुका, मसाले बढ़िया मिक्स कर दिए हैं। तो आपको पता है कि जो अमृतसरी बड़ी होती है काफ़ी बड़ी होती है साइज़ में, तो अब मैं हाथ में थोड़ा सा पानी लगाऊंगी और इस तरह से मिश्रण लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी बनाना चाहते हो आपके अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ये देखिए जैसे मेरे हाथ में ये नॉर्मली इतना मिश्रण आ रहा है, तो बस इस तरह से फिर ये ऐसे अंगूठे से छेद किया जाता है। ये इस तरह से भी किया जाता है ऐसे, ये देखिए दोनों हाथों से। इससे क्या होता है बीच में ये होल किया जाता है, बोलते हैं कि इससे एयर पास होती है, तो बड़ी जो मतलब साइज में मोटी होती है तो सूखने में आसानी होती है और देखने में भी वैसे अच्छी लगती है इस तरह से। ये देखिए तो मैं अपने हाथ में आ जाएगा इतना एक साइज ले रही हूँ, लगभग 2 बड़ा चम्मच मैंने ये मिश्रण लिया हुआ है उड़द दाल का। तो ये देखिए, तो अब मैं इसे रख देती हूँ शीट पर, ये देखिए। और दाल बहुत ही अच्छी पीसी है, गाढ़ी है बढ़िया, तो बड़ी बनाने में आसानी हो रही है। तो बस हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगाऊंगी और इस तरह से एक हाथ में ही हो जाता है वैसे काम, जैसे आप यूं लो और इस तरह से होल इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए आसानी हो जाती है। और फिर ये इस तरह से डाल देंगे बड़ी सुखाने, बस लेते जाएंगे गोल करते जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी गोल हो गई है, और बस अंगूठे से इस तरह से छेद करेंगे बीच में, ये देखिए, और फिर रखते जाएंगे शीट में। तो इसी तरह से बढ़िया बना लेती हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए हमारी अमृतसरी बड़ी बन चुकी है। तो अब मैं इस ट्रे को धूप में रख दूंगी, तो लगभग 3 से 4 दिन लग जाएंगे बड़ियों को सूखने में, क्योंकि साइज़ में ये बड़ी होती है तो इसलिए लगभग 3 से 4 दिन लगेंगे। फिर भी अगर हम देख लेंगे अच्छी तरह से सूख जानी चाहिए अंदर से भी और बाहर से तो भी। ये देखिए अमृतसरी बड़ी को मैंने लगभग 4 से 5 दिन अच्छी तरह से सूखा लिया, और आप देख सकते हैं मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से सूख गई है, देखिए, क्योंकि काफ़ी मोटी साइज़ में होती है, बड़ी होती है तो सूखने में टाइम लगता है, और आवाज़ से पता चल रहा है कि अच्छी तरह सूख गई है। तो 2 दिन बाद जैसे ये इस तरह से हमने रखी थी पॉलीथीन पे, तो 2 दिन बाद मैंने इस तरह से उठा के इसे पलट दिया था और इस तरह से सभी बड़ियों को रख दिया था ताकि अंदर से अच्छी तरह से धूप लग जाए, सूख जाए और साल भर इसे कुछ ना हो, ख़राब ना हो। तो आप देख सकते हो बड़ी हमारी बड़ियाँ सूख गई है। तो अब इन बड़ियों को एक सूखे एयरटाइट जार में भर के हम रख देंगे, जिसका इस्तेमाल हम साल भर कर सकते हैं। जब भी आपको सब्जी खाने का मन नहीं हो या आपके घर में सब्जी ना हो तो आप इसकी सब्जी बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है, और इसमें जो मसाले हैं इसके कारण सब्जी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो अगर आपको मेरी अमृतसरी बड़ी की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और साल भर के लिए बना के रखिए।